जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रीवियस जो ऐप बनाया था वो ऐप था हमारा नंबर गैसिंग गेम का ऐप, और उसमें हमने ये जो इंटरफेस उसका रेडी किया था उस पे ये लॉजिक वगैरह बनाया था हमने। तो एक दोस्त का मुझे क्वेश्चन था, दोस्त का मेरे साथ तो आपने बताया कि हम एटीके कैसे जनरेट करते हैं, जो हम अपने मोबाइल फोन में हम इंस्टॉल करके इसी ऐप को फोन में चलाना चाहेंगे। तो आज हम इस वीडियो से इसी ऐप का एपीके बना क्रिएट करना सीखेंगे कि हम एपीके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी ऐप पे जाएंगे हम, और ये बड़ा इजी है एपीके बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ आप करेंगे क्लिक, ठीक है, यहाँ ऑप्शन आप जाए ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे होगा बिल्ड, ठीक है, इस ऑप्शन पे बिल्ड में होगा ये फ्लटर, फ्लटर में ये होगा बिल्ड एपीके, ठीक हो गया, इस पे आप कर देंगे। अब ये नीचे प्रोसेसिंग पे शुरू हो गया ये, और ये थोड़ी देर में हमें जो है ना वो अगर कोई एरर ना आया हुआ तो ये हमें कर देगा, तो दे देगा हमें, नीचे बता देगा सक्सेसफुली अपडेट वो क्रिएटेड हो गया। अच्छा, अगर ये बना रहा है, ये नहीं देगा, कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि इसमें कोई इतना मतलब लॉजिक का या कुछ चीज़ नहीं है, ऐसे को गूगल वगैरह कुछ चीज़ यूज नहीं की हुई ऑनलाइन जिसका मसला बनाए। तो ये सिंपल हम में अगर वो ये कोई एरर दे देता तो आपने क्या करना है, आपने ये जाना यमल की फाइल में और पब अपग्रेड कर लेना है, ठीक है, या आउटडेटेड कर लेना, ये काम कर लेने आपने। और जो मेन डार्ट है इसको कंट्रोल एस कर लेना दोबारा आपने, तो वो दोबारा सारी एरर सेट कर देगा, और दोबारा फिर वहीं पे जाना है आपने यहाँ, और बिल्ड पे आपने क्लिक करना, फ्लटर पे क्लिक करना, और बिल्ड एपीके के ऊपर आपने क्लिक कर देना। यो फिलहाल तो मैंने किया हुआ ऐसे, और ये रनिंग फॉर्म में ये बना रहा है एपीके, तो जैसे ही ये बनाता है तो हम देखते हैं आगे कि क्या करता है। ये देखें, ये वो कह रहा है कि उसने 99.9 जो रिडक्शन है मतलब इतना बना लिया, बस ये अभी थोड़ी देर में ना 1-2 मिनट में ये ओके कर देगा कि आपका एपीके कितना बन गया, वो आपका एपीके क्रिएट हो चुका है, और एमबी भी बता देगा कितने एमबी का बना है आपका एपीके, और फिर हम उसके फोल्डर में जाएंगे, जाके वहाँ से हम कॉपी कर लेंगे उसे, तो ये थोड़ी देर में हमें एपीके क्रिएट करके दे देगा। ये देखें, ये उसने एपीके ना जो बिल्ड कर दिया है, तो वो ये कह रहा है कि बिल्ड में आप अपने फोल्डर में जाएंगे, बिल्ड का बिल्ड में ऐप है, ऐप में आउटपुट्स है, और आउटपुट्स में फ्लटर एपी का एक फोल्डर है, और फ्लटर एपी के फोल्डर के अंदर ये ऐप रिलीज एपीके के नाम से आपका ऐप पड़ा हुआ है 18.9 MB का। तो हम जाते हैं, जाके देखते हैं कि ये इसने हमें क्रिएट करके दिया है जो, तो हम चले जाएंगे फाइल लोकेशन पे जहाँ हमारा ऐप की फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो मैंने डी में मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर ये मेरे काफ़ी सारे ऐप पड़े हुए हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि नंबर गैसिंग गेम, ये देखें ये ऐप है हमारा जिसका हमने एपीके क्रिएट किया। तो आगे चले गए हम बिल्ड, वो कह रहा है बिल्ड में जाएँ, बिल्ड के बाद वो कह रहा आप ऐप में जाना, ऐप के बाद कह रहा था कि आप आउटपुट्स में जाना, आउटपुट्स के बाद आप वो कह रहा था कि फ्लटर एपीके में जाना, और ये पड़ा हुआ है अपना ऐप, ठीक हो गया। आप यहाँ इसको कॉपी करें और व्हाट्सअप करके अपने फ़ोन में इसको या सेंड कर लें यूएसबी लगा के, केबल लगा के, और या अपने व्हाट्सअप से भी आप इसको डॉक्यूमेंट में इसको सेंड करके अपने फ़ोन में लेके जा सकते हैं, वहाँ आप इंस्टॉल करके यही ऐप बिल्कुल आप अपने फ़ोन में जो है वो रन कर सकते हैं। तो ये बड़ा इजी है, सिंपल है, 1-2 मरतबा ट्राई करेंगे आप बनाएंगे तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा, बहुत ही इजी ट्रिक है ये। तो आप जो लोग जिनको एपीके नहीं बनाना आता तो इस वीडियो को लाजमी देखें, और बिल्कुल इसी तरह ट्राई करके अपने ऐप के एपीके बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐप के साथ। अल्लाह हाफिज़।